नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगर फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजकुमार शर्मा आज आपको बताऊंगा CDS 100 सीरीज के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि हमने CDS 100 सीरीज का अनबॉक्स किया था। उस अनबॉक्स में आपने देखा था कि मशीन के साथ में क्या क्या आइटम आए हैं और एक एक को हमने डिस्क्राइब करके बताया था। तो दोस्तों, अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CDS 100 सीरीज के एक एक पार्ट्स के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या यूज होता है। तो दोस्तों आइए, मैं अब आपको एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों, ये मशीन का प्रिंट हेड होता है, ये प्रिंट हेड कवर है जो कि एक नट से टाइट होता है। हम इसको लूज करेंगे, करके ऐसे निकाल देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन किया हुआ है। आप देखेंगे कहीं भी कोई वायरिंग आपको ओपन नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नोजल, बहुत ही सिंपली और स्मार्ट डिजाइन है। नोजल के नीचे आता है चार्ज इलेक्ट्रोड, के नीचे आता है फेज डिटेक्टर के नीचे दो प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और हाई वोल्टेज प्लेट होती हैं। सबसे नीचे आता है दोस्तों ये गटर होता है, जिसे हम कैचर भी बोलते हैं। जब नोजल से इंक आती है तो चार्ज इलेक्ट्रोड से होके फेज डिटेक्टर को सेंस करते हुए गटर में आती है। तो ये तो था दोस्तों हमारा प्रिंट हेड, और प्रिंट हेड में दोस्तों यहाँ पे जो ये पेच लगे हुए हैं, इसके नीचे होता है फीड वाल, जो इस बॉक्स के अंदर है पैक होता है, फीड वाल होता है। दोस्तों, इसके अंदर एक कलर स्क्रीन होती है, 8 इंच की होती है, फुल्ली स्मार्ट और डिजिटल टच स्क्रीन होती है। आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही फुल स्मार्ट और सिंपल मशीन है। ये है जिसे हम मिक्सर टैंक बोलते हैं। ये फिल्टर होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, फोर फिल्टर फ्रंट में होते हैं, जिसमें एक प्री पंप है, एक गटर के लिए होता है, एक फीड के लिए होता है। ये दोस्तों इंक लगती है, यहाँ पे एक कार्ट्रेज लगती है, 750 ml का कार्ट्रेज होता है, यहाँ मेकअप की कार्ट्रेज लगती है। ये सोलोनॉइड वाल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें सोलोनॉइड वाल होते हैं। ये वेंचुरी होती है जो गटर सेक्शन के लिए होती है। अब हम आपको इसका बैक साइड का दिखाते हैं। ये विस्कोमीटर होता है, एक इंक सक्शन पंप होता है, एक मेकअप सक्शन पंप होता है, ये डैम्पर होता है, ये एक मेन फिल्टर होता है। ये नीचे आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा मेन पंप, जो कि मिनी पंप है। ये दोस्तों इसका पावर केबल होता है, जहाँ पे ये सॉकेट है पावर केबल का। पावर केबल के साइड में मेन स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए।
ऑन करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों ये 8 इंच का फुल ग्राफिक्स टच स्क्रीन होता है इसमें। ये डिस्प्ले लगा हुआ पीछे, ये मेन बोर्ड हो गया आपका। ये साइड में इसके कूलेंट के लिए फैन लगा हुआ है, नीचे पावर सप्लाई होती है मदरबोर्ड के नीचे ही। तो दोस्तों आप देखेंगे इस मशीन में बहुत ही सिंपल तरीके से इस मशीन को डिजाइन किया गया है। आपको वर्क करने के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इस मशीन में, बिल्कुल आप पूरे सिस्टम को बाहर ला सकते हैं और एकदम साफ तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। ओपन फिल्टर होते हैं जो आराम से एकदम सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसमें। तो दोस्तों आपने देखा CDS 100 सीरीज के एक एक पार्ट्स के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि CDS 100 सीरीज में हम कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।